बहुत बढ़िया जो गंध था जो बीजेपी ने अपने लोग निकल गए हैं। अब निरोल किसानी का, मजदूरों का और व्यापारियों का आंदोलन है। अब ये आंदोलन दून सवाया होके, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना दून सवाया, आगे और बढ़ रहा है। जो हमारा ट्रैक्टर रैली थी उसके लिए दिल्ली वालों ने जो हमारे ऊपर फूल बरसाए, हमारी सेवा की, उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं उन सभी हमारे भारत के प्रांतों से, जिस प्रांत से भी ट्रैक्टर परेड का हिस्सा बने उनका भी धन्यवाद। हम धन्यवादी हैं हमारी लीडरशिप का, जो किसान लीडरशिप है, उन्होंने बड़े ही संयम से, बड़े हौसले से इसको निभाया। और हम निंदा करते हैं उन बीजेपी वालों की जिन्होंने इतनी गंदी और इतनी घिनौनी हरकत की, हमारे देश के जो धरोहर है लाल किले में, वहाँ जाकर किसानी रूप लेकर वहाँ जो एक जो दूसरा झंडा लहराए, किसानी का झंडा, जो धार्मिक झंडा लहराया, उसकी हम निंदा करते हैं। क्योंकि ये झंडा किसी किसान ने नहीं लहराया, ये बीजेपी ने खुद लहराया है। कोई भी किसान, आप भी जाते होंगे, हम भी जाते होंगे, दिल्ली की सड़कों पे हम जाते हैं तो चाहे हम 100 बार गए हों तो भी हम रास्ता भूल जाते हैं। हमारे किसानों को रास्ता खोल के वहाँ लाल किले तक ले जाया गया। वहाँ ले जाके जो आगे ट्रैक्टर लगे थे वो हम ही नहीं जानते, तो ट्रैक्टर वाले को क्या रास्ते का पता होगा। ये सब बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने ही करवाया है। क्योंकि हम आगे क्या रहेगा, रूपरेखा कैसे रहेगी आगे की रूपरेखा, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का कल जो आदेश आए हैं, 30 तारीख को हम एक दिन का अनशन रखेंगे। और उसके अलावा जो भी हमारे ऊपर की जथेबंदियों के जो संयुक्त किसान मोर्चे के आदेश आते हैं, उसी के आदेश के अनुसार ही हम करेंगे। आज को मैसेज वायरल हुआ था कि बिल्कुल नहीं हटने देंगे जब तक हमारा आंदोलन चलता है, जब तक ये तीनों काले कानून जन जन विरोधी सरकार वापस नहीं करती, तब तक हम डटे रहेंगे। कल एक छोटा सा मैसेज वायरल हुआ था कि ये टोल खोलना है, तो आज हज़ारों की संख्या में किसान आ गए हैं और आ रहे हैं। चाहे हमें हमारे ऊपर से गाड़ी निकालने का इनको आदेश हो, निकाल लें, हम मरने के लिए चलने के तैयार हैं, लेकिन आंदोलन को ठंडा नहीं होने देंगे। बिल्कुल शांतमय तरीके से हम अपना आंदोलन चला रहे थे, चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के ऊपर 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के ऊपर इतिहास रचा गया। एक ऐतिहासिक आंदोलन देश की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ। लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे, सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। लेकिन सरकार ने पूर्व नियोजित एक साजिश के तहत कुछ लोगों को लाल किले के ऊपर लेकर गए और वहां पे उस तरह का झंडा लहरा करके हिंसा करवाई और उसका ढाल बना के पूरे देश के किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की। लेकिन इस चीज़ को पूरे देश के लोग, पूरे देश की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि कौन वो लोग थे जो आंदोलन को ख़राब करने वाले लोग हैं। वो लोगों को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी स्टेजों से नहीं बोलने दिया, उनका बहिष्कार हो गया। इसलिए जिन लोगों ने इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की और एक अलग रूप देने की कोशिश की, इस आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा चला रहा है। कुछ व्यक्ति विशेष जो जिनके तार सरकारों से जुड़े हुए हैं वो लोग नहीं चला रहे, तो ये आंदोलन पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। यहाँ की बात करें तो यहाँ भावदिन टोल प्लाजा के ऊपर आज प्रशासन, हमें सूचना मिली है कि वो आज इस पर्ची मुक्त जो टोल किया हुआ है, इस पर्ची मुक्त टोल को यहाँ से वो लोग हटाना चाहते हैं। अपने इंजीनियर भी उन्होंने बुलाए हैं। इसलिए इस प्रशासन की इस तानाशाही के ख़िलाफ़ यहाँ पे इलाके के लोग जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और शांतिपूर्वक हमारा धरना और जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। अगर उन्होंने हटाने की कोशिश की तो फिर भी हम आंदोलन करके जो है उनकी साजिश को नाकाम करेंगे। दीप सिद्धू का भी एक स्टेटमेंट आया, उसने कहा कि मुझे बेवजह जो है विलन बनाया जा रहा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस तरह का आरोप उस पर लगाया जा रहा है, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। देखिए स्टेटमेंट जो भी आया है, दीप सिद्धू वहाँ पे पहुँचा लोगों को लेकर कैसे पहुँच गया? 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसे दिन होते हैं जब लाल किले के ऊपर एक परिंदा भी जो है वो पर नहीं मार सकता, तो वो इतने लोग वहाँ पहुँच कैसे गए? ये सरकार की मिली भगत थी, सरकार ने उनको जाने की इजाज़त दी और जब वो वहाँ पे पहुँच गए, पहुँचने के बाद उन्होंने वो कार्यक्रम किया और तुरंत जो है वो वहाँ से चले गए। लेकिन जो भोले भाले किसान लोग थे जिनको बाद में पता लगा, वो लोग कुछ जो है वो वहाँ पे फंस गए, तो इसलिए ये उनकी पूरी साजिश थी, वह बेनकाब हो चुकी है। ठीक है।
ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਾ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਸਲੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਸੀਗਾ ਬੋਰਡਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਅਸੀਂ।